तो भाई जय बोले की हर हर महादेव, जय शिव शंकर, वर शंकर भगवान की जय। तो भाई ब्लॉक टू की शुरुआत हो चुकी है और इस टाइम हो रहा है सुबह के 4:30 के आसपास का टाइम हो रहा है। और भाई इस टाइम हमें मुजफ्फरनगर है भाई, रुक रहे, बारिश भाई इतनी कैडी हो रही है, बेहिसाब बारिश हो रही है भाई, बहुत तगड़ी बारिश हो रही है। हमारा दूसरा टेम्पो जो सीएनजी वाला था भाई, वहाँ पर सीएनजी फुल करवा रहा था। और बाकी भाई बारिश भी इतनी तगड़ी हो रही है कि अपना अपना थोड़ा सा ना सेटअप दिखाते हैं। और यहाँ पे दो चार टेम्पो और भी दिखाता हूँ आपको, ये देखो ये भाई, ये इनका टेम्पो है और ये भी अपनी तरफ ठीक कर रहे हैं। और जो हमारा टेम्पो है वो ये रहा भाई, और वो अपना टेम्पो ठीक हो रहा है। और अब ये तो भाई बारिश इस टाइम इतनी तकड़ी हो रही है भाई, बहुत ही तकड़ी ज़्यादा बारिश हो रही है यहाँ पर मुजफ्फरनगर में। और मौसम भी बड़ा प्यारा ही हो रहा है, और ठंड तो है नहीं, बारिश देख लो भाई कितनी तकड़ी बारिश हो रही है इस टाइम। तो भाई मंगलोर पहुँच चुके हैं और भाई यहाँ पे इस टाइम हम स्टे कर रहे हैं, इस टाइम मतलब रुक रहे हैं थोड़ी देर के लिए भाई। वहाँ पर चाय वाय बन रही है भाई सभी के लिए, ब्रेकफास्ट का टाइम हो रहा है वहाँ पर, सब भाई चाय वाय बना रहे हैं। और इस टाइम समय हो रहा है 9 के आसपास का समय हो रहा है, और भाई बरसात का मौसम हो रहा है पूरा फिलहाल। तो भाई बारिश वारिश रुक गई है, पर बाकी भाई मौसम बड़ा ज़बरदस्त हो रहा है। और भाई हमारे सारे वहाँ पे चाय और पकौड़ी की व्यवस्था हो रही है, अक्टम को हमारे ये रहा भाई, भीड़ भाई साहब भीड़ है, आपको दिखाता हूँ मैं। लो पकौड़ी की तैयारी हो चुकी है, ये हो गए हैं पूरे आलू तैयार, दूध ये रहा, ब्रेड ये रही, सब्जी चौकी की रिपोर्ट में कि भाई हुक्का लगा रहे हैं, अब हुक्का निकाल लेते हैं ना, लगा लो एक एक चिलम पी लेंगे तो हाथ निकाल ले। तो भाई पूरी व्यवस्था है, पूरा सिस्टम बन रहा अपना, चलो अंदर है। तो भाई ब्रेड में लग गई, हमारी पिट्टी तैयार है और हमारी चाय बनने जा रही है। भाई क्या बना रहे भाई साहब आज? हुक्का सिलगा रहे हैं। ये आज सिलगाई जा रही है भाई, यहाँ हुक्के की तैयारी चली जा रही है, हुक्का सिलगा जा रहा है। यहाँ पे सार भाई हुक्के पीने के रेडी है, लेकिन हुक्का इसे मिलेगा जो हुक्का पीता है, और किसी को हुक्का नहीं मिलेगा। भाई हमारे साथ हो गया एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम, हमारा दूध दूधा फट गया, आज की चाय हमारे पे नसीब की नहीं है। लेकिन हमारे ब्रेड बिल्कुल सही है, ये हमारा दूध सही फट गया भाई, गर्मी के कारण की वजह से दूध फट गया। अब हम इच्छा सोच रहे हम क्या ही करें। और अध्यक्ष साहब हमारे बहुत ज़्यादा दुखी हैं, सबसे ज़्यादा दुखी मेरे हमारे भाई साहब हैं, बहुत ज़्यादा दुखी हो रहे भाई साहब। और बाकी देख लो भाई माहौल इस टाइम पूरा बोलने का माहौल हो रहा है, मज़ेदार माहौल हो रहा है। फाइनली भाई हमारा हुक्का चल चुका है, और हुक्का चल रही है, चाय चल रही है, पकौड़े वकौड़े सब हो चुके हैं, सारे बोला खा रहे हैं, बाकी सारे भाई यहाँ बैठे हैं, बाकी सब जगह पार्सल हो चुका है। यहाँ पर पूरा चल रहे हैं पकौड़े बैठ के, अरे हुक्का चल रहा है बड़ा मौज आ रही है, बिल्कुल फुल मौज। भाई ये देख लो भाई, हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है भाई, पानी बहुत सारा है भाई, चारों तरफ पानी पानी है, बहुत सारा पानी है भाई, बहुत बुरा हाल है भाई, बहुत ही बुरा हाल। तो भाई बोलो यहाँ पे भाई बहुत ज़्यादा पानी भर रहा पड़ा है, एकदम बहुत ज़्यादा पानी, हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है भाई, चारों तरफ पानी भाई, चंद्र भाई बहुत अंधी पब्लिक है पूरा भाई। और यहाँ से अप्रोच रह रहा है बस 20 किलोमीटर रह रहा है हरिद्वार। और भाई बारिश बहुत तगड़ी आ रही थी, लेकिन अब मौसम बहुत बढ़िया हो गया, सारे बोला अपने ऊपर बैठे हैं, पर शंकर भगवान की जय हो बाबा की जय बोले की। ब्लॉग में भाई जितना हो सके उतना शेयर कर देना, जितना हो सके उतना शेयर कर दो, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दो हर हर महादेव, महादेव। देख लो भाई इस टाइम रुड़की का हाल भाई, इतनी पानी भाई, देख लो पूरा गांव डूब गया भाई, बीच बीच में भाई सड़कें भी खराब हो रही थी, जब तक कैमरा निकाला जब तक वो चाचू की सड़कें, लेके भाई देख लो कितना बुरा हाल हो रहा भाई रुड़की में, बहुत बरसात है भाई, बहुत बरसात, खेत के खेत भर गए, कम से कम 7-8 फुट पानी भाई खेतों में, ये देख लो।
चारों तरफ पानी पानी। ये देखो भाई कितना पानी है भाई, बहुत तगड़ा पानी है भाई। सही में भाई यहाँ तो सही में गांव के गांव डूब गए खेत, तो भाई खेती तो पूरी। भाई एक बार अपनी पल्ली वल्ली सेट कर रहे हैं यहाँ पे, जरा एक बार हमारे डीजे वाले भाई पल्ली वल्ली सेट कर रहे हैं, क्योंकि आगे का मौसम पता नहीं क्या हो सकता है। अरे पानी वाकई में बहुत है, ग्रीनरी देखो ग्रीनरी कितनी है भाई। टेम्पू के टॉप पे अपने चश्मे लगा के देखो भंडारा चल रहा यहाँ पे बिल्कुल। जय बोलेगी भाई, बहुत बुरा हाल है भाई वहाँ, टेम्पू पलट गया यार शिट। फिलहाल आए है फाटक पे रुड़की वाले पर भाई, देख लो ट्रेन जा रही है यहाँ पे, ये ट्रेन जा रही है भाई और हमारा टेम्पो। भाई ये देखो कितना बुरा हाल हो रहा भाई, रोड ही गायब होगी भाई, भाई पूरी रोड गायब होगी, देख लो भाई यहाँ से पानी आ रहा है, सारा पानी आ पा रहा भाई, भाई रोड ही खत्म होगी भाई, रोड ही गायब होगी भाई, बहुत बुरा हाल है भाई, बहुत बुरा हाल। भाई रोड ही टूट गए भाई, यहाँ पर सारे में पहाड़ का मोड़ है भाई, पूरा पहाड़ का मोड़ है, पानी बहुत है। अभी हमें मिला भंडारा और हमारे भाई जीजा कही ये खा रहे हैं प्रसाद, खा रहे हैं हलवा का, और भाई किस्मत वालों को नहीं मिलता काजू, किसे किसे मिला काजू, किसे किसे मिला, हाथ खड़े करो तुम सारे किस्मत वाले हो। जय जिसको मिला है काजू वो है बड़ा दयालु, और जिसे मिला है छुआरा वो है बड़ा फुआरा। तो भाई हम इस टाइम आ चुके हैं लक्षर में, और भाई यहाँ पे खाने पीने का इंतजाम कर रहे हैं भाई, क्योंकि बहुत से भूख लग रही थी और समय भी भाई 2 बजे का हो रहा था। तो यहाँ मंदिर है भाई, ये मेरे पीछे मंदिर है, कुछ शिव जी का मंदिर है ये, और हम लक्षर में यहाँ से हरिद्वार मात्र 15 किलोमीटर रह गया हरिद्वार मात्र यहाँ पे, और हलवाई साहब बना रहे हैं हमारा खाना पीना, और आज हमारी बन रही है बिरयानी, बिरयानी की हमारा वो हो गया तो दिखाता हूँ आपको। बाकी सारे बोला वहाँ बैठे है, हमारा ट्रक ये छोटा वाला ट्रक, बड़ा वाला ट्रक बाहर है हमारा, तो ये रहा भाई साहब हमारे। अब क्या बन रहा है आज खाने में, आज भाई साहब देख लो बिरयानी बन रही है, ये सारा डंगा, ये पनीर पनीर बनी सब्जी देगा इसमें जाके बिरयानी में, और ये कुछ लोकेशन है यहाँ पे, इस तरीके की लोकेशन है सारे बोला ये रहे। और भाई ना भी धो लिए बोला, ये सारे नहा रहे हैं, हम भी नहा लिए भाई, मैं भी फ्रेश हो गया पूरा ना धो के। बाकी हमारे सारे जितने बोला बैठे ही बैठे, हमारी मोटरसाइकिल सारी अंदर यहाँ पे, तंदूर भी भाई, मिस्सी रोटी खाएंगे और सैपनी भी दिखाएंगे, वो भी दिखाएंगे आपको, और ये बैठे भाई हमारे सारे बोला देख लो भाई, सारे बोला बैठे जय हो। एक बात बता रहा हूँ भाई, फिलहाल यहाँ चल लिया हुक्के की आँच हो रही है, हुक्का पियेंगे अभी थोड़ी देर पीछे,
जब तक आँच ऑन दे तब तक बिरयानी बन जाएगी। तो भाई बोलो देख लो, चाय तुम्हारा रेडी हो चुका है, बर्फ बर्फ गिर के चावल भी हमारे पूरे बन चुके हैं और ये सारे बोले बैठे अपने, ये बैठे सारे बोले अपने लाइन से, ये देख लो भाई मौज कर दी रे, ये देखो भाई गिर रहे भाई यार उधर आने पड़े हैं। तो ये है हमारी बिरयानी, देखो इसमें सोयाबीन बेहिसाब पनीर, ये हमारे जस्सा और ये भाई हमारे ये क्या कहते थे बूंदी कराया था, ये हमारे जस्सा है, राजू भाई ने तो पैक भी करा लिया अपने लिए घर के लिए थोड़ी सी, टॉप्स का अचार है, कमी की चीज़ की नहीं है, कमी की चीज़ की भी नहीं है, प्याज भी है अचार भी है और नींबू भी है सब चीज़ है मसाला भी। तो भाई ऐसी है भाई, ऐसा हुआ एक बार की बात है, ऐसा हो गया हंसो हाँ तो वही तो बात मिलने वाली करना रहा। भैया रात हो गई अभी तक भी नहीं पहुंचे हम, हमारी हालत है खराब, गला खराब, सब चीज खराब हमारी। तो भाई हमें नहीं पता भाई, हम तो गलती से भटक गए रास्ता, और भाई देखो हमारे पास तो कोई भी टेम्पू नहीं है कि ये वाला टेम्पू है, अपना टेम्पू है ना, कोई आगे टेम्पू ना पीछे टेम्पू ना दाएं टेम्पू ना बाएं टेम्पू, सिर्फ एक ही टेम्पू वो भी हमारा टेम्पू। और देखो कैसे बैठे सारे भूखे नंगे की तरह बैठे है, कैसे हमें जेल में छुड़ाओ, इसे देखो गंदी शक्ल को सुअर से मुंगा, अरे हमारे सारे भाई राजू भाई देख लो, पंकज भाई देख लो, लंकी मेरे दोस्त लंकी लंकी दोस्त। तो भाई इस टाइम हम किसी भाई गांव में हैं भाई, हमने ना थोड़ा सा वहां से रास्ता डायवर्जन कर लिया अपना, क्योंकि भाई वहां तो इतना बुरा जाम है भाई, इतना बुरा जाम भाई, हमें घर से निकले हुए तकरीबन 10-12-13 कम से कम 20-21 घंटे होने वाले हैं भाई, है ना, तो कितने भाई 24 घंटे हो गए, सॉरी भाई 24 घंटे पूरे हो गए हम, और अभी तक हम भाई कंखल नहीं पहुंचे हैं भाई, क्योंकि भाई इतना मौसम खराब है, इतना रास्ता खराब है, इतनी भीड़ है, इतनी हालत खराब है, बेहिसाब खराब है। और इस टाइम हम फिलहाल गांव में हैं, और इस टाइम भाई हमारे भोले आगे जाके देखने गए, वो देखने गए रास्ता कोई हो तो जावे, तो बाकी नहीं तो भाई देखेंगे क्या हो क्या नहीं होगा। ये गाँव है जलालपुर कटारपुर गाँव भाई, बैठे भाई के निवास के स्थान पे बैठे, भाई का घर है पूरा, तो चलो देखते क्या होगा आगे, बाकी बड़ा इंटरेस्टिंग रहा, मजा रहा, हर हर महादेव। अब भाई फिलहाल हम कर रहे डीजे पे लाइट सेटअप कर रहे हैं भाई, एक बार हमने सारे बोला अपनी जिता दी, कि भाई यहाँ पे थोड़ा सा एक पैच था भाई तार का, थोड़ा सुई से भाई हमने निकाल दिए, तो इस सारे बोला इस टाइम नीचे है भाई, ये टेम्पू निकलवा रहे हैं हम अपना कतारपुर गांव में भाई बिल्कुल फिलहाल, और एक छोटा सा कोई रास्ता ले रहे हैं, पता नहीं भाई ने देखा कोई रास्ता, देखते हैं सारा जाम से फिर देंगे, चलो चलो आ जाओ। तो भाई एक बार टेम्पू की हमने लाइट वाइट जला दी है तार वार की वजह से, ताकि कोई दिक्कत ना आए, और आंटी जी भाई देखो पूरी मदद कर रही है यहाँ पे, और बहुत अच्छी तरीके से आ जाओ। सारे बोला भाई फिलहाल जा रहे हैं पैदल थोड़ा सा करके, वॉकिंग करके, चलो ना मैं खाऊं लड्डू पेड़ा ना मैं मिसरी मलाई ला देना। Thank you.
भाई ये देख लो पता नहीं कौन से रास्ते में जा रहे भाई हम। बहुत छोटा रास्ता भाई, बहुत ज्यादा छोटा रास्ता भाई, ज्यादा बड़ा रास्ता नहीं। अभी देखो सारे तरफ भाई पानी पानी भरा पड़ा है, यहाँ चारों में पानी, इस तरफ भी भाई पानी पानी। भाई कुल मिलाकर हरिद्वार में इस टाइम पानी बहुत है भाई, चारों तरफ पानी बहुत है। भाई टेम्पो मुड़ चुका हमारा, आधा झुक गया टेम्पो। ज्यादा स्ट्रेस नहीं है, सुबह इस टाइम हो रहा है, सुबह के 4 बजे का आसपास टाइम हो रहा है भाई। अभी भी हम कंकल नहीं पहुंचे हैं, पूरी रात भाई ऐसी हो गया भाई, इतना जाम भाई, बहुत ही बुरा जाम। और हमारा टेम्पो में अभी तक नहीं आया, फिलहाल तो हम यहाँ बैठे हैं, शिविर में बैठे हैं, और टेम्पो हमारा अभी तक आया नहीं है भाई। इतना जाम नहीं देखा मेरी जिंदगी में, पता नहीं भाई कब टेम्पो आएगा, तो हम जाएंगे, कब हम पार्क में आएंगे, कब हम जल उठाएंगे। और भाई जल और जल आज हमें उठाना है, क्योंकि आज 6 तारीख होनी है और आज ही हमें जल उठाना है शाम को। और भाई नींद बहुत बढ़ रही है आपको, मैं बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है मेरी, तो मेरी क्या सारी फोन की हालत खराब है। मेरे साथ मेरा भाई आयुष भाई, वो बोला मेरे ये जी हमारे सामने बोला बैठे चाय पी रहे भाई, बहुत बुरी हालत है भाई। चलो बाकी देखते क्या होगा, जोश पूरा, हर हर महादेव, जय श्री शंभु, हर हर महादेव। तो फाइनली अब सुबह के 7:30 बजे आया हमारा टेम्पो भाई मेन कंकर में, और अब हम जाएंगे थोड़ा सा आगे जाके लगाएंगे इसे कहीं सेफ, और भाई करेंगे कुछ चाय नाश्ता, क्योंकि भी लग रही बहुत ज़्यादा भूख भाई। हालत मेरी पूरी डाउन हो गई है भाई, सोया नहीं दो रात से, बड़ा सिर में भी दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो रही है भाई, बहुत ज़्यादा। तो भाई ये देख लो भाई, हमारा टेम्पो इस टाइम खड़ा हो चुका है, ये हमारे डीजे वाले भाई है इस टाइम, और भाई सब भाई बैठे हैं इस टाइम, सारी हालत खराब हो गई है। मुंह तो भाई धोना भाई, देखो जो बात है भाई, मुंह का धोया साबुन से धोए ना। हाँ तो भाई मैंने सारे बोला ना तो, कि भाई ये ऐसी लोकेशन पे हम रेडी हो चुके हैं, और ये रे तैयार हो रहा है बाकी, यहाँ हुक्का पिए जा रहे हैं भाई, हुक्की चिलम भर जा रही है, और वो सब टेम्पो में बैठे कुछ भाई वहाँ बैठे हैं, हर भाई वहाँ लग रहे हैं, और बन रहे भाई हमारे बैर पकौड़े, चाय बनेगी, खाएंगे आज दोबारा, भूख तो भूख भी लग रही है, टाइम भी बड़ा ओवर हो गया। और भाई आज शाम को जाएंगे हरिद्वार, तो भाई इसी ब्लॉग को भी हैंग आउट करता हूँ। आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा, ब्लॉग अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। जब तक मिलते हैं आपको ठीक है, कहना था ब्लॉग में ठीक है ना। अब तीसरा ब्लॉग होगा आपको, अब सीधा जल उठाएंगे, सीधा हरिद्वार मिलेंगे आपको, हरिद्वार से सीधा घर। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।